झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अग्रेश छाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं। यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, सरकारी फैसले कुछ नए निकल के आए हैं या नहीं आए हैं, विदेशों में कमोडिटीज में कितनी हलचल है और उनकी वजह से भारत के बाजार में कमोडिटीज बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि हमने बीते सत्र में देखा था कि 14 तारीख थी और आज 15 है, तो 14 और 15 को दोनों ही तारीख में जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी बैठक होनी है। जितने भी निवेशक हैं और ट्रेडर्स हैं सबकी नज़रें फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग पर है कि क्या आउटपुट निकल के आने वाला है, फेडरल रिजर्व बैंक क्या डिसीजन लेता है, ब्याज दरों में कुछ उठापटक होती है नहीं होती, कुछ चेंजेस होते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज में या नहीं होते हैं। उसकी वजह से हमने सोने चांदी का जो बाज़ार है थोड़ा गिरता हुआ देखा है। आज देख रहे हैं कि इसकी वजह से गोल्ड $1,770 पर लुढ़क चुका है और सिल्वर भी $21 पर कारोबार करती नज़र आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि जो सोना $1,776 के दायरे में था अब वो नीचे में $10 उड़क कर $1,770 के आसपास ट्रेड करता नज़र आ रहा है। तो आज सोने चांदी की कीमतों में क्या करके चलना सही रहेगा ये जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि जो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैठक है जो आज भी जारी रहेगी, सोने चांदी का असर उन पर कितना पड़ता नजर आ सकता है, क्या आपको क्या लग रहा है कि हम अगर मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं तो सोने चांदी की कीमतें फिर ऊपर जाएंगी या नीचे? देखिए डिपेंड करते हैं कि चेंजेस कैसे क्या होते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और अभी जिस तरीके से सोना रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है या नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है और कच्चा तेल भी ऊपरी स्तरों से लुढ़का है। दरअसल एक्सपेक्टेशन तो यही है कि डॉलर में गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन अभी जो है इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होते हैं तो डॉलर में गिरावट आएगी और उसका इंपैक्ट सोने पर पॉजिटिव होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट हाई नहीं होते हैं तो डॉलर पॉजिटिव होगा और फिर सोना और चांदी ऊपरी स्तरों पर गिरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाता है या नहीं, और अगर हाइक किया जाता है तो कितना किया जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल सोना और चांदी सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही रेंज अभी फिलहाल कल तक बनी रह सकती है, और हो सकता है कि आपको हफ्ते के आखिरी दिनों में सोने और चांदी के अंदर हफ्ते के आखिरी दिन कुछ अच्छी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए आज सोना ऊपरी स्तरों पर फिसलता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो गए तो सोना और ज्यादा फिसल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल सोने और चांदी के अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, और वैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी बाय ऑन डिप की ही रहेगी। अगर सोना लुढ़कता भी है तो 400 से 500 पॉइंट की गिरावट आ सकती है और वहां पर वापिस से आपको बाइंग आती हुई मार्केट में दिखाई दे सकती है। जी यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कच्चा तेल का भी बाजार लुढ़क चुका है। ब्रांड क्रूड ऑयल जो हम परसों को $76 पर देख रहे थे आज $72 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। WTI भी $70 के ऊपर था, वो भी $69 पर पहुंच चुका है। दोनों में ही एक एक फीसदी की गिरावट बनती नजर आ रही है। रूपा जी ओपेक साफ कर चुका है कि 2022 की जो पहला तिमाही होगी, जो यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसमें 2022 में डिमांड और सप्लाई दोनों ही बढ़ते नजर आएंगे। एज इट इज स्ट्रेटेजीज रखी जा गई थी जो बीते सत्र में जो कुछ दिन पहले ओपेक प्लस और उसके सहयोगी देश की बैठक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कच्चे तेल में अब आगे क्या ये गिरावट वाला माहौल और बढ़ सकता है? देखिए अभी थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम को ब्रेक जरूर लगती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मंगलवार को जो है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से कुछ कहा गया है कि COVID-19 के केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं और वेरिएंट का इंपैक्ट आगे आ सकता है जो कि कच्चे तेल की डिमांड के ऊपर असर डाल सकता है। तो ये एक अपडेट निकल कर आया है जिसकी वजह से कच्चा तेल जो है लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा भी कहा गया है कि क्रूड का आउटपुट जो है वो आगे बढ़ सकता है।
सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जिस तरीके का अपडेट निकल कर आया है इसकी वजह से कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर फिसलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अभी फिलहाल बाजारों के अंदर ओमिक्रॉन को लेकर अभी कोई बहुत ज्यादा अभी क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है मार्केट के अंदर, और वहां से क्या अपडेट निकलता है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो ये इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है, जो उनके द्वारा कहा गया है, उसकी वजह से कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर फिसलता हुआ दिखाई दिया है। और अभी ये फेड की मीटिंग भी है, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए उठापटक का माहौल है। सभी कमोडिटीज फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार हुई दिखाई दे रही है। सोना चांदी भी फिसला हुआ है और कच्चे तेल में भी गिरावट है, और इसी के साथ आज बेस मेटल भी इंटरनेशनल मार्केट्स में लुढ़के हुए हैं। तो यानी ओवरऑल अभी मार्केट जो है किस दिशा में जाएगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है जब तक अपडेट नहीं निकल कर आता। डॉलर कैसा रोल प्ले करेगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, इंटरनेशनल कमोडिटीज के अंदर जो भी मूवमेंट आएगी उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर साफ आता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए सभी कमोडिटीज में गिरावट का दौर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कल क्लैरिटी आ जाएगी कल देर शाम तक कि मार्केट जो है आगे कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज इंट्राडे में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कमोडिटीज में गिरावट का दौर बना रह सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA ने जो अपने बयान दिया है कि जो कोरोना का नया वेरियंट है ओमिक्रॉन जिसको नाम दिया गया है, उसके जो केसेस हैं और जो इम्पैक्ट है यानी इसके मामले और इसका असर वो आगे बढ़ते नज़र आ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है जिसकी वजह से बाज़ार अभी एज इट इज़ कंटिन्यूएशन में चल रहा है, लेकिन विदेशों में लॉकडाउन वाली स्थिति भी है, ब्रिटेन वर्क फ्रॉम होम पर लौटा है, चाइना में भी जो आइसोलेशन की जो और जो क्वारंटाइन की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें बदलाव किया गया है, तो विदेशों को देखते हुए वो पहले से ही प्रिपरेशन करके रख रहे हैं, पहले से ही तैयारी करके रख रहे हैं जिसकी वजह से जो डेल्टा वेरिएंट वाले हालात थे वो पैदा ना हो। इसकी वजह से काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है और मार्केट्स में अभी यही सेंटिमेंट बन रहे हैं जैसे कि रूपा जी ने बताया भी अभी कि आगे जाके डॉलर कैसा रहेगा, इकोनॉमी कैसी रहेगी, डॉलर मॉनेटरी पॉलिसीज कैसा रोल प्ले करेंगी, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बाकी देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी। तो आगे जाके कैसा रुझान रहेगा ये भी आगे जब डिसीजन आ जाएगा बैठक का, जो मीटिंग चल रही है अभी कल शाम तक आ जाएगा डिसीजन, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। हालांकि आज जैसे कि रूपा जी ने बताया कि बेस मेटल्स और कच्चे तेल का जो बाज़ार है वो ऐसी लाल निशान के साथ गिरावट के साथ आज ट्रेड करता नज़र आता रहेगा। रूपा जी टॉपिक्स जानना चाहेंगे आज आपकी तरफ से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाल निशान पर तो है ही आज पूरी की पूरी नॉन एग्री कमोडिटीज़, क्या ऐसे में लाल निशान के दौरान भी कुछ मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से सेलिंग में आज प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है लेकिन काफी मतलब स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ आप सेलिंग में रह सकते हैं क्योंकि कुछ भी मूवमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो अभी इंट्राडे में फर्स्ट हाफ में आपको गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, चाहे वो क्रूड हो या फिर सोना चांदी थोड़ा सा फिसल सकते हैं, सोना भी 48,000 के नीचे लुढ़क सकता है, वहीं बेस मेटल में भी गिरावट आ सकती है, निकल 1520 तक मैक्सिमम डाउनसाइड है। लेकिन वहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए मैं फिर यही बोलूंगी कि निचले स्तरों पर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब भी बाजार करेक्शन में आए तो आप इसमें बाइंग में चले, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप सेलिंग करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि आज सेलिंग करके चलना सही रहेगा, सेलिंग करके ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है क्योंकि सारी की सारी कमोडिटीज लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही है। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।